ये फूल क्यों नहीं सजाया मैंने अभी तक? ये फूलदान से पसंद है। आज वो इसे और भी पसंद करेंगी। यहाँ पर ये ठीक रहेगा, है ना? क्यों? वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आटा, दाल, बादाम, बादाम बहुत पसंद है उसको। सिगरेट, आपको ना हमारी जान की कसम, जब से आप सिगरेट पिए देखिए तो कितने कमजोर हो रहे हैं। बादाम खाया करें। उसे ना मेरा इतना ख्याल रहता है। अब आ भी जाए मगर 8:30 बजने में अभी काफी देर है। मैं समझता हूँ ये घड़ी फास्ट है, क्या पता कि इसमें। अरे नहीं, अभी परसों ही तो ठीक कराई है। कहीं उसकी गाड़ी में फर्क ना हो। ऐसा हो सकता है। तो 5 नहीं 10 मिनट का फर्क होगा। वहम से लेके 10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। नहीं, 10 मिनट भी नहीं। ये घड़ी में जरूर कोई खराबी है। इसको खोल कर ना देख लूं। खोल कर क्या? वैसे इस वक्त में करना क्या चाहिए? एक खत लिख। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और जब वो आए तो एक हाथ उसको दे। ख्याल अच्छा है। मेरा ख्याल है वो घर से चल पड़ी होगी। एक खत उसके आने तक खत्म ना होगा। खत लिखना शुरू तो करो। मेरी प्यारी, तुमने आज 8:30 बजे मिलने का वादा किया था। मैं तुम्हारा शिद्दत के साथ इंतजार करता रहा। कितनी खुशखुशी वाला। नहीं तो वाकई खुशखुशी है। खतरत की कोई जरूरत नहीं। मैं उसको जबानी बता दूंगा। बस सकते की आवाज है। ये क्षण कैसी? वो जरूर आएगी। हम दोनों एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। वो चोट तुम मुझे देने के बाद समझ सकते हो। जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सूझी लगती जरूर है। तो मिसालत में सच्चाई पूरी मिलती। यानी मैंने जो कुछ किया बस अपनी खुशी का। तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करता?
फिर सिर्फ मैं ही तो जवाब दे रही हूँ इसके लिए। अगर जवाब दे रहे हैं तो वो भी अपना हाथ देना पड़ा थी, तो किस तरह? टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद, उसके दराज में एक डायरी थी, एक फोन नंबर भी था बिना नाम का, डायरेक्टरी में देखा तो कई बार ना और कई बार उलझन होती थी। कैसी? जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, बात करते करते अपने आप मुस्कुरा उठना, कई शाम वो नामौजूद रहती थी। मैंने कुछ पूछा था।